Very good morning to all. Good morning, children. Hope you all are fine at home. So, dear parents, this is an important information for you all. As you all know that by the government order, we are unable to schedule online classes, and all of us are facing some problem that students are not interacting with the teachers and not able to complete the work. And there are some doubt in the parents' mind also. So here is a good news for you all that as a parents' demand, school is taking an initiate by sending the recording session along with the PPT, and this is a demo for today, right, dear parents? जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, और हमारे बच्चों ने 15 दिन में इतने अच्छे से आदत बना ली थी कि टीचर दिखेंगी सामने तभी हम बात मानेंगे. सो पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही हैं. सो पेरेंट्स की डिमांड पर मैंने एक इनिशिएट लेने की कोशिश की है कि मैं एक रिकॉर्डेड सेशन आपको भेजूं अलॉन्ग विद द पीपीटी. नाउ लेट्स सी इसके कितने फ्रूटफुल रिजल्ट निकलते हैं. दिस इज अ डेमो. आज मैं एक डेमो लेने वाली हूँ. सो आज की पीपीटी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आफ्टर दैट अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो हम डाउट सेशन में कवर करेंगे. अब मैं चलती हूँ अपने सेशन की तरफ. बच्चों आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? नाउ लेट्स सी आज हम क्या करेंगे. पूरी तरीके से स्कूल कवर करना है हमें. सो हम एक पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं. सो इन दिस पीपीटी मैं आपको आज बताऊंगी कि आज का डे कैसे शेड्यूल होने वाला है. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. लेट्स स्टार्ट आर डे विथ स्मॉल प्रेयर. कम ऑन बच्चों, अपने अपने प्लेस पे आपको खड़े होना है. आपका लेफ्ट हैंड आपको आपकी चेस्ट यानी राइट साइड में रखना है, आपके हार्ट पर रखना है. देन मेरे साथ आपको किड्जी एंथम करना है. आई नो दैट कि कुछ बच्चों को याद है और कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो आप बार बार सुनेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. राइट, रिपीट विद मी. राइट, यू आर विद इन मी, यू आर इनफाइनाइट, यू आर यूनिक, माई पोटेंशियल इन साइड. यू आर द विंग्स बीनीथ माई फ्लाइट. You define me, my potential inside. Today I pledge with all my mights, I shall achieve you, my potential inside. Thank you and get relaxed. Now you can put down your hand. Right? Next, welcome to all. Thought of the day. As I know that parent कि बच्चे थॉट ऑफ द डे नहीं रीड कर पाते और नहीं समझ पाएंगे, बट हमारे स्कूल का रूल है कि हम एक थॉट ऑफ द डे रोज बच्चों को बोलते हैं और एक वीक तक वही चलता है. बट यहाँ पर अगेन अगेन आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलते जाएंगे. द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट. सो द डेट इज 2/7/2020 यानी 2 जुलाई 2020. सो बच्चों कल क्या था? येस्टरडे वॉज 1 जुलाई. एंड टुमारो विल बी, कल क्या होगा? 3 जुलाई. राइट, सेम एज टुडे इज वॉट? थर्सडे. So, yesterday was what? Yes, Wednesday. Very good. And tomorrow will be? Yes, Friday. So, parent, this is the week 4 and day 16. This is the week 4 and day 16. हम वीक 4 के 16वें दिन को पढ़ रहे हैं आज. राइट, सो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे विद द लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम में हम आज इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा. नाउ लेट्स सी आज हम क्या पढ़ेंगे. सो हमने ए पढ़ लिया. ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज ड. सी सेज ड की सी सेज क क्या होना चाहिए? यस, सी सेज क. राइट, मैं चेक कर रही थी कौन कौन ध्यान दे रहा है. नाउ वी आर मूविंग ऑन द लेटर बी. यस, सो क्लास वर्क फॉर द डे, रूल्स ऑफ लैंग्वेज टाइम. टू डू द लैंग्वेज टाइम वर्क, इफ यू डोंट हैव वर्कबुक एट होम, राइट योर चाइल्ड्स नेम ऑन द वर्कशीट यूजिंग अ पेन. गिव वर्कशीट नंबर NUR, दैट इज नर्सरी. D23, दैट इज डे 23. LT इज द लैंग्वेज टाइम. WS01 एंड क्रेयॉन एंड अ पेंसिल टू योर चाइल्ड एंड टेल देम दैट आर द पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व फॉर लर्निंग लेटर डी.
जब हम बच्चों को लेटर डी सिखाएंगे पेरेंट, देन उन्हें एक स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व बताना होगा हमें, इसको हम रिवर्स कर्व कहते हैं, राइट। इनकरेज योर चाइल्ड टू ट्रेस द डॉटेड लाइंस, यस, इन द नर्सरी ग्रुप बी प्रोवाइड कि बच्चे डॉट्स पर काम करना स्टार्ट करें। लेटर ऑन जब हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता था, तब हम बच्चों को डॉट्स हटा देते थे, जिससे बच्चे जूनियर केजी के लिए प्रिपेयर हो जाते थे, राइट डियर पेरेंट्स। सो अभी स्टार्टिंग है और आपके हैंड में है बच्चे, आपके हैंड में बहुत कम बात मानेंगे बच्चे, आई नो दैट, पढ़ते समय। सो फिलहाल डॉटेड पैटर्न देंगे तो उनके लिए इजी होगा, राइट। असिस्ट इफ रिक्वायर्ड, और जहां उसको नीड है प्लीज उसे असिस्ट करिए, बट पेरेंट आप उसे यहाँ से नहीं पकड़ेंगे। अगर आपको बच्चे को पकड़ने की भी नीड पड़ रही है, देन प्लीज आप यहाँ पकड़ेंगे बच्चे को, राइट। अगर आपने एक बार यहाँ पकड़ने की आदत डाली तो बच्चे आप कभी नहीं लिखेंगे। सो इंश्योर दैट कि आप बच्चे को यहीं से हेल्प करें, राइट। नोट, इफ यू डोंट हैव वर्कबुक, डू द प्रैक्टिस ऑफ अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व्ड इन इंग्लिश 4-लाइन नोटबुक और 3-इन-1 कॉपी, राइट। नाउ दीज ऑल आर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पेरेंट ओनली। अब बच्चों के लिए है क्लास वर्क फॉर द डे। सो डेट 2720 के बाद हम बच्चे को डी बनाना बता रहे हैं, दैट इज द, राइट। सो एक स्टैंडिंग लाइन जैसा कि आपको दिया जा रहा है शीट में, आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर डी है उसमें हम सबसे पहले बच्चों को सिखाएंगे डी के लिए स्टैंडिंग लाइन, देन रिवर्स कर्व। सी सिखा चुके हैं तो बच्चे को रिवर्स कर्व बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंडिंग लाइन पहले, देन रिवर्स कर्व, पहले रिवर्स कर्व देन स्टैंडिंग लाइन आपको नहीं बतानी है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, डियर चिल्ड्रन नाउ स्टार्ट विद द रेड लाइन टू ब्लू लाइन, रेड बेरी टू ब्लू बेरी, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द रेड लाइन डाउन अ लाइन, अ स्टैंडिंग लाइन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन फ्रॉम रेड लाइन टू ब्लू लाइन, नाउ मेक अ रिवर्स कर्व एंड रिवर्स कर्व स्टार्ट फ्रॉम द रेड लाइन एंड एंड्स विद द ब्लू लाइन ऑन द स्टैंडिंग लाइन, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शंस आप जब बच्चों को देंगे तो, और उसको डी में, ये वाला जो डी बनाया है ये इतने गैप्स इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें कलरिंग करेंगे क्रेयॉन्स की हेल्प से, उन्हें स्ट्रेस करना है, यानी उनको ऐसे ऐसे कलर नहीं करवाना है पेरेंट, स्टार्ट करेंगे अप टू डाउन एंड अ कर्व, अगेन अप टू डाउन अ कर्व, जब तक बुक अच्छे से फिल नहीं हो जाता। जो नर्सरी के बच्चे हैं, यू हैव टू अगेन एंड अगेन आपको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेंगे, यू हैव टू इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड टू डू नॉट द कलर आउटसाइड ऑफ द डी, प्लीज कलर इन साइड ऑफ द डी, राइट। ना एक ड्रम वहां बना हुआ है, सो बच्चों को डी सेज ड सेज ड्रम, सो वहां पर ड्रम पे बच्चों को कलरिंग करने देना है आपको, राइट। डी, नाउ आपको डॉटेड पैटर्न देने हैं बच्चे को और डी की वर्कशीट बच्चे को तैयार करके देनी है, जो बच्चा खुद करने की हेल्प करेगा, बट आपको अगर बच्चे को रिक्वायर्ड है देन यू कैन हेल्प, राइट डियर पेरेंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, क्लास वर्क फॉर द डे। इफ यू हैव वर्कबुक एट योर होम देन प्लीज सर्च दिस वर्कशीट एंड इन योर वर्कबुक एंड डू इट एज द क्लास वर्क। नाउ नेक्स्ट, होम असाइनमेंट फॉर द डे। सो घर पर बच्चों को जो करना है, वैसे तो क्लास वर्क भी घर पे करना है, बट दिस इज द होमवर्क। सो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न लेटर ड, लेटर ड। डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर वर्कशीट नंबर NUR D25LTWS01 इन योर वर्कबुक पार्ट वन। नोट, इफ यू डोंट हैव वर्कबुक, डू द प्रैक्टिस ऑफ डी इन इंग्लिश 4-लाइन नोटबुक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, नाउ हम मूव करेंगे लॉजिकल टाइम के लिए। सो उसके पहले एक ट्रांजिशन एक्टिविटी, सो कम ऑन बच्चों, खड़े हो जाओ जल्दी से, रन 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 करके आएंगे किचन तक और थोड़े से सिर्फ पानी पीकर आएंगे, ठीक है। जब तक आप पानी पी रहे हैं मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी, कम ऑन, गो गो गो, दिस इज द ट्रांजिशन एक्टिविटी पेरेंट, क्योंकि यहाँ पर होता है मदर टीचर कंसेप्ट। सो एक ही टीचर लगातार बच्चे को रीड कराती है तो बच्चे अपने टीचर से बोर ना हो और टीचर को एक छोटा सा गैप मिले, तो हम ट्रांजिशन एक्टिविटी देते हैं। ट्रांजिशन एक्टिविटी में बच्चे क्लैप, जंप, या कहीं जाना या कोई टास्क कंप्लीट करके आना होता है तो हम लोग करा लेते हैं। सो दिस इज द ट्रांजिशन टाइम, राइट। सो बच्चों, डियर चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर बैक। नाउ सिट प्रॉपरली एंड सी टुवर्ड्स, राइट।
सो दिस इज द लॉजिकल टाइम. सो इन द लॉजिकल टाइम हम क्या लर्न करेंगे? मैथ्स. यस, नाउ वी आर मूविंग मैथ्स टाइम. दिस इज कॉल्ड लॉजिकल टाइम. ओके, सो पेरेंट, दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर यू. क्लास वर्क फॉर द डे इज रूल टू डू द लैंग्वेज टाइम. इफ यू हैव वर्क बुक एट योर होम, राइट योर चाइल्ड्स नेम ऑन द वर्कशीट यूजिंग अ पेन. गिव द वर्कशीट नंबर एन यू आर, दैट इज नर्सरी, D47 यानी D47 MT, मैथ्स टाइम WL01, एंड क्रेयॉन टू योर चाइल्ड. एक वर्कशीट और क्रेयॉन आपको अपने बच्चे को देना है. नाउ इनवाइट योर चाइल्ड टू सेलेक्ट अ क्रेयॉन ऑफ हिज और हर चॉइस. कलर शुड बी चॉइस ऑफ योर चाइल्ड. आस्क योर चाइल्ड टू आइडेंटिफाई एंड नेम द नंबर एंड द पिक्चर ऑन द वर्कशीट. इनकरेज योर चाइल्ड टू काउंट एंड कलर द पेंसिल्स. मोटिवेट योर चाइल्ड टू ट्रेस नंबर 6 यूजिंग अ क्रेयॉन ऑफ हिज और हर चॉइस, राइट? असिस्ट इफ रिक्वायर्ड. नोट, इफ यू डोंट हैव वर्कबुक, डू द प्रैक्टिस ऑफ नंबर 6 इन योर मोथ मैथ्स नोटबुक और 3 इन 1 कॉपी. नाउ क्लास वर्क फॉर द डे, दिस इज द मीट नंबर 6. मीट मी, आई एम मिस्टर 6. हाफ अराउंड एंड अराउंड अगेन मेक्स माई नंबर, दैट इज 6. यस, हाफ अराउंड एंड अराउंड मेक्स नंबर 6. सो ट्राइज द नंबर 6 एंड राइट इट डाउन. डियर पेरेंट, डू द प्रैक्टिस ऑफ नंबर 6 एंड मैथ्स नोटबुक और 3 in 1 कॉपी. नाउ एंड दिस स्लाइड जो आपके सामने आई है, ये आप अगर वर्कशीट में ढूंढ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलने वाली है, बिकॉज ये हम लोगों ने अभी कंप्यूटराइज स्लाइड बना के दी है, जिसमें आप बच्चों को ऐसा कुछ एंटरटेन भर भर बनाकर बच्चों को एंटरटेन कर पाए, राइट? अगर आप बना पाते हैं, वेल एंड गुड. अदरवाइज इफ यू हैव वर्कबुक एट योर होम, सो सर्च दिस वर्कशीट इन योर वर्कबुक पार्ट 1. इफ यू गेट इट, नाउ प्लीज गिव दिस वर्कशीट टू योर चाइल्ड विद द क्रेयॉन ऑफ हिज और हर चॉइस. नाउ नेक्स्ट होमवर्क. बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है. डियर चिल्ड्रन, टुडे वी हैव लर्न नंबर 6. डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर वर्कशीट नंबर NUR D49 MT WS01 इन योर वर्कबुक पार्ट 1. नोट, इफ यू डोंट हैव वर्कबुक, डू द प्रैक्टिस ऑफ नंबर 6 इन मैथ्स नोटबुक, राइट? जैसे कि आपको वर्कशीट दिख रही है, आपको इन 6 हाउस पे कलर भी करना है. डिफरेंट डिफरेंट कलर करेंगे तो बहुत मजा आएगा, एंटरटेन ही लगेगा थोड़ा सा. नाउ वी आर मूविंग ऑन म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम. डियर पेरेंट, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्कूल लाइफ एंड इन द फिजिकल डिपार्टमेंट. सो इन द म्यूजिकल मूवमेंट टाइम, बच्चों के फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक होने का प्रूफ मिलता है. जब बच्चे राइम करते हैं तो वो अपने इन हैंड, हाथों का, बॉडी का एक्सप्रेशन का पोस्चर चेंज करते हैं. सो म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर दिस, अ ट्रांजेक्शन एक्टिविटी इज देयर. सो बच्चों, नाउ क्लैप योर हैंड्स. आज हमने सीखा नंबर 6. सो 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ वी आर मूविंग ऑन म्यूजिक एंड मूवमेंट टाइम. यस, नाउ पेरेंट्स प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू सी द वीडियोस ऑफ राइम्स. नाउ एंजॉय द राइम. It's a happy face. Very good, children. Now tell me
Yes, dear children. So this is the music and movement time. With the help of this, we learn that कि बच्चों को physically कैसे train करना है and about the all expression happy, sad, and angry. Yes. So next slide. In the next class, we will learn about the letter E as an A let in the language time and number 7 in the logical time. Yes. So thank you so much, dear parent and dear children. Now you have to do your work. Yes, Swati ma'am want that कि आप लोग अपना काम कितने जल्दी finish कर लेते हैं. आज मामा को कोई परेशान नहीं करेगा, right? Now 30 minutes pack हो जाना है मामा के लिए. मामा के संग अकेले कमरे में मामा को मोबाइल यूज नहीं करने देना है आपको, right? मामा से कहना कि मामा मुझे पढ़ाने के लिए बस मोबाइल यूज करेंगे आप. After that मामा कोई कॉल नहीं पिक करेंगी, मामा व्हाट्सएप नहीं चलाएंगी, मामा कुछ नहीं करेंगी. सिर्फ पीपीटी पर आपको पढ़ाएंगे, राइट? वेरी गुड. सो वी से सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ प्लीज टेक बहुत सारा पानी एंड हॉट वाटर पीना है आपको, राइट? और रात का जो मिल्क पियेंगे उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके पीना है, राइट? टिल देन इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन सी यू. बाय, हैव अ गुड डे. वी से थैंक यू सो मच डियर पेरेंट. Thank you.